यहाँ गांधी फिल्म फाउंडेशन में मेरी एकल प्रदर्शनी 22 दिसंबर से 3 जनवरी तक है। मैंने जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ डिस्प्ले की है, टोटल 65 डिस्प्ले हुई है, और मेरा जो विषय है वो समाज में नारी का स्थान क्या है उसके बारे में मैंने अपने एक एक चित्र में कलर, रंगों, ब्रश और फॉर्म के द्वारा बताया हुआ है। यहाँ मैंने टीनेजर से लेके ओल्ड एज तक की सारे गर्ल्स फॉर्म को पेंट किया हुआ है। जो वो अनुभव करती है, क्या क्या वो सोचती है, क्या होना चाहिए, उसके आने वाले परेशानी है, खुशियाँ हैं, वो सारे एक एक हलचल या मोमेंट कहिए, वो मैंने अपने पेंटिंग्स में अपने विचारों के द्वारा, अपने माध्यम के द्वारा प्रदर्शित किया है। मैं संजय निकम आर्टिस्ट और आर्ट क्यूरेटर हूँ और ये गैलरी है जो गांधी फिल्म फाउंडेशन की है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे अलग अलग शोज़ करते हैं और उसमें लोकल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के शो हो रहे हैं अभी। और उसमें से अभी का ये शो जो है जया जी का शो है और ये सोशल कंटेंट्स में काम करती हैं, तो आप आ जाइए और शो के आनंद उठाइए। थैंक यू। मैं अर्जुन डांगड़े लिखता हूँ, सोशल वर्क भी करता हूँ एक्टिंग, लेकिन आज ये माहौल में आके जया धुरंडे के इस एग्जीबिशन में आके मुझे बुलाया तो मुझे बहुत खुशी हो गई ये पिक्चर देख के, क्योंकि वुमेन के रिलेशनशिप है जो स्त्री औरतें स्त्रियाँ जिसमें एक अपने देश में अलग नज़रिए से देखा जाता है। एक आर्टिस्ट होने के नाते जया जी का एक और एक नज़रिया देखने को मिला, जो किंटर कास्ट या गरीबी या और किसी माहौल में जो लोग यानी औरतें आते हैं उसका चित्रण उसे किया है। और ख़ास करके ये गांधी भवन में फाउंडेशन में जिसकी गांधी जी की सोच जो औरतों के बारे में थी उस गांधी भवन में एग्जीबिशन हो रहा है, इसे मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। और इसे अलग अलग पहलू रिलेशनशिप के, वुमेन मैन के और वो सोशल बैकग्राउंड पर यहाँ नज़र आ रहे हैं, उसे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। एक आर्टिस्ट अपनी भावनाओं को एक अपना कला द्वारा एक परफॉर्म कर रही है और एक कमिटमेंट सोशल जो निभा रही है, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे काम है। जय जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मुगलान शाहवस्ती चित्रकार। आज प्रथम में पहला चित्रकर्ती ज्या दारुंडे यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो। त्यांनी ज्या विशाल हात घातलेला आहे तो या देशातील जातीवादी व्यवस्थेला आणि स्त्री पुरुषाच्या रिलेशनला एक सामाजिक भान जागृत असणारं आणि त्याच जागृतीतून आलेलं हे सर्व कला आविष्कार बघताना निश्चितच वेगळा विषय घेऊन काम केलेलं आहे। आणि या जातीवादी देशामध्ये, धर्मवादी देशामध्ये समानता जे संविधानानं दिलेली आहे ती केव्हा मिळेल असं या चित्रातून प्रश्नचिन्ह त्यांनी उभा केलेलं आहे। आणि समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व हे खऱ्या अर्थानं या देशाचं वैभव आहे आणि ते वैभव लवकर प्राप्त व्हावं असं अपेक्षित आहे। आणि त्या अनुषंगानं ज्या दारुणीनं प्रयत्न केलेला आहे त्या प्रयत्नाला माझ्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आहेत।